हे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछ ही लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझिए, पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मुंह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने PhD की थी पर दूसरे ने कभी 8th भी पास नहीं की थी। दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्डवर्किंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहला रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है। दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके। ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे। पहला उसे कहता, खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ लिख ताकि तुझे बड़ी कंपनी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए। दूसरा कहता था, तू खूब पढ़ मेहनत कर पर खुद की कंपनी खोल ताकि तू खूब सारी नौकरियां लोगों को दे पाए। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज था, उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो कि बाद में मायामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोड़ों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी भर गरीब रह गया। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप गौर से सुनिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मीनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज वो चीजें होती है जो आपके जेब से पैसे ले या आपके पैसे खत्म करे। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते हैं बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे। दोनों सेम पोजीशन और सेम सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नया फोन, बाइक या कार, ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रही है, ना कि बस जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट सुरेश ऐसा नहीं था, वो ये सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत जरूरी ना हो वो चीज खरीदना। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे। 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खत्म हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खत्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता अनलेस आप उसको भाड़े पे दो, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से अपने एसेट्स बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखे अच्छे से। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसों को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे ज्यादा अच्छी चीजें खरीदने पे मजबूर करता है, जैसे कि एक बेहतर फोन, कार, घर, जो कि सब फिर से बस लायबिलिटीज है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। ये बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बेहतर बनाई। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें और फाइनली सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी काम की बातें जो मैंने दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोगों से सीखी है शेयर करूंगा, जो आपको सक्सेसफुल बनने में मदद करेगी। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।